गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज मैं पहुंच गई हूँ पुणे, और पुणे का जो फर्स्ट डे है उसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बालों को ठीक करूँगी, क्योंकि ऐसे बालों में मैं तो कहीं घूम ही नहीं पाऊँगी। तो इसलिए फर्स्ट डे पे हमने सोचा कि बालों को हम ठीक करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है बालों को सेक्शन करना। साजिद मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स पीछे के जो बाल है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड हुए थे, तो उनको भी ठीक करना ज़रूरी था। तो हमने सोचा यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो हाईलाइट्स काइंड ऑफ होता है ना, वैसे करेंगे। तो यहाँ पे मिरर सेट कर रहे थे, जिससे मुझे पीछे से दिख सके कि साजिद कैसे कर रहे हैं। उनको इतना हाइलाइट्स का पता नहीं था, बस उनको मैंने सजेस्ट किया कि आपको जिगजैग वे में बालों को सेक्शन वाइज लेना है, जिससे बीच बीच में थोड़े डार्क शेड भी हम लोग ऐड कर सके। तो यहाँ पे मैं शेड जो यूज़ कर रही हूँ ना, सॉरी मैं कैमरा में बताना भूल गई, लेकिन मैं यहाँ पे लॉरियल का ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये जो ऑरेंज बाल दिख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा उनमें ब्राउनिश सा कलर आए। तो यहाँ पे साजिद ने स्टार्ट कर लिया है, और फॉइल हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जल्दी से मेरे बालों में कलर आ जाए, क्योंकि ये कलर का जो स्मेल है ना, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। एक्चुअली कोई भी केमिकल का स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए हम फॉइल यूज़ कर रहे हैं। सो चलो देखते हैं इसका एंड रिज़ल्ट कैसे मिलता है। सो गाइस पूरी तरह से बालों में फॉइल लगाने के बाद मैंने बस 10 मिनट्स के लिए वेट किया, क्योंकि ऑलरेडी प्री लाइटन थे तो कलर बहुत ही जल्दी आ जाता है। सो उसके बाद मैंने शावर लिया, और शावर के बाद मैं भी वेट कर रही थी कि मेरे बाल कैसे दिखेंगे। सो लेट्स सी कैसा कलर आया। एंड गाइज दिस इज़ अ फाइनल रिजल्ट, ये है मेरे बालों का फाइनल शेड, और मैं इतनी खुश हूँ ना इसे देख के, मैं क्या बताऊँ। मतलब वो ऑरेंज बाल देख देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन फाइनली मेरे बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जो हाईलाइट का डिसीजन मेरा था वो अच्छा था, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। आप देख सकते हो मेरा ब्राउन शेड हो गया है बालों का। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।